देखिए फ्रेंड, एलईडी ग्लो हो गया, इधर दिखाओ बंद हो गया, इधर लैम्प दिखाओ बंद हो गया, फिर एलईडी को मैं देख। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल छात्रा इलेक्ट्रिकल हब। फ्रेंड आज का जो टॉपिक है वेल्डिंग मशीन का कंट्रोल कार्ड के बारे में। फ्रेंड कंट्रोल कार्ड में जो ऑपेम लगा होता है, ये सिंगल चैनल हो सकता है या डुअल चैनल हो सकता है, उसके बारे में। फ्रेंड देखिए, एक सिंगल पीसीबी है, उसमें एक डुअल चैनल ऑपेम लगा है। ये ऑपेम का नंबर है फ्रेंड LM258। ये ऑपेम लगा है, ये डुअल चैनल ऑपेम है। फर्स्ट एक चैनल वो क्या कर रहा है, जब वेल्डिंग होता है, ये शंट के थ्रू 180 एम्पीयर मैक्सिमम वो जाता है, तब क्या करता है, इसमें एक मिली वोल्ट प्रोड्यूस्ड होता है। ये मिली वोल्ट को लेके इस ऑपेम का नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में दिया है, और इन्वर्टिंग इनपुट में से नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जब हाई होता है तो इसका आउटपुट निकलता है। तो जब इधर से करंट जाता है तो इधर आउटपुट निकलता है। इस आउटपुट को लेके इधर एक देखिए एन चैनल का Y1 करके, एन चैनल का 80-50 इसका बेस में देता है, बीच में 2 5.2 के का रेजिस्टेंस सीरीज करके। और इसका इस जो एनपीएन ट्रांजिस्टर का इमीटर ग्राउंड है, और कलेक्टर 9 नंबर पिन में जा रहा है इस आईसी का। इस आईसी है PWM आईसी SG3525 आईसी है। फिर इसका 9 नंबर पिन में एक कॉम्पेंसेशन दे रहा है, इस पिन के ऊपर डिपेंड करके इसका जो IGBT का ऑन टाइम ऑफ टाइम डिपेंड करता है। तो एक्चुअली क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, ये कंट्रोलिंग कर रहा है ये ट्रांजिस्टर के थ्रू आईसी से होके इधर जो डुअल चैनल मॉस्फेट है, मॉस्फेट के थ्रू इधर एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर अंदर लगा है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा है, देखिए दिखेगा नहीं, ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा है, उसके बाद वो हो रहा है थ्रू ऐसे प्रोसेस। तो आप ये कॉन्सेप्ट रखिए, इस 9 नंबर पिन में ज़्यादा वोल्टेज तो मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल, लो वोल्टेज कम तो लो ड्यूटी साइकिल होता है, तो इससे थ्रू कंट्रोल होता है। और इधर एक ऑपेम, ये इस साइड का ऑपेम है, ये क्या कर रहा है, इसका भी सेम है फ्रेंड, इन्वर्टिंग इनपुट को एक रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड करके रखा है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में 20 वोल्ट के आसपास दिया है, तो उसका आउटपुट हो रहा है। ये आउटपुट दो जगह में डिवाइडेड हो रहा है, एक जगह जा रहा है, इस जगह एक ट्रैक लगा है, ट्रैक का एनोड में चला जा रहा है, कैथोड ग्राउंड करके रखा है, ट्रैक का गेट में जब ट्रिगरिंग करेगा तो वो वोल्टेज को पुल डाउन करेगा। तो ऐसे करके डिज़ाइन करके रखा है। तो इसका गेट को फायर करने के लिए इधर एक देखिए सीटी लगा है, सीटी से आके इसका गेट को फायरिंग करता है। एक साइड इधर वोल्टेज आ रहा है, और एक साइड फ्रेंड्स इधर जे इस आईसी का सॉफ्ट स्टार्ट पिन में वोल्टेज डाउन करने के, मतलब सॉफ्ट स्टार्ट पिन में अगर वोल्टेज नहीं रहेगा तो इसका आउटपुट नहीं जाएगा। तो उस सर्किट को काम करने के लिए इधर भी दो एन चैनल का ट्रांजिस्टर लगा है, जिसका नंबर है Y1 8050 नॉर्मल ट्रांजिस्टर है, वो लगा है, इसको सप्लाई दे रहा है। फ्रेंड ये ऑपएम का एक काम है, ठीक है फ्रेंड। तो ये ऑपएम पीसीबी में लगा है, कैसे काम कर रहा है, मतलब ठीक है कि नहीं, ये हमारा वीडियो का मोटो है। तो फ्रेंड वीडियो के एंड तक देखिए। फ्रेंड मैंने इसको ऑन कर दिया, आप देख पा रहे हो मैंने ऑन कर दिया। इधर देखिए मैं एक सिस्टम बना के रखा हूँ, इधर से जो ड्राइवर जा रहा है ना उसको काट के इधर लैंप लगा दिया, और आप सिग्नल इधर देख सकते हो, सीआरओ में सिग्नल है, लैम्प भी देख सकते हो। फ्रेंड इधर दिखाओ, मैं एक सिस्टम बना के रखा हूँ, इधर से ये सांड से पल्स दे रहा हूँ, मतलब सांड से मैं पल्स दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, मेरा हाथ को भी दिखाना, दिखाइए इधर एलईडी को आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड एलईडी ग्लो हो गया, इधर दिखाओ बंद हो गया, इधर लैम्प दिखाओ बंद हो गया, फिर एलईडी को मैं देखिए देखिए फ्रेंड डिस्प्ले में दिखाओ, उधर डिस्प्ले में दिखाओ, देखिए फ्रेंड इसका ड्यूटी साइकिल घट रहा है, इसका ड्यूटी साइकिल घट गया, ठीक है। इधर लाइट दिखाओ, इधर लाइट दिखाओ, पीसीबी में लाइट दिखाओ, पीसीबी उंगली की तरफ लाइट दिखाओ। फ्रेंड लाइट का ब्राइटनेस कम गया, फिर लाइट का ब्राइटनेस बढ़ रहा है, घट रहा है, देख रहा हो ना फ्रेंड। तो इसका हिसाब से ये एडजस्ट कर सकते हो फ्रेंड। उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग आसानी होगा। और एक चीज़, ये आईसी का 9 नंबर बिल इधर के साथ जुड़ा है,
डिस्प्ले में दिखाओ मीटर को विद मीटर रख के इधर। हाँ देखा फ्रेंड, 9 नंबर पिन में वोल्टेज वेरी हो रहा है, लाइट भी इधर ब्लिंक कर रहा है, इधर देखिए 23.2 ऐसे हो रहा है। मतलब फ्रेंड ये क्या हो रहा है, ये इस जगह में ये जो ऑपएम लगा है ये 100% सही है, उसका 9 नंबर पिन में भी कॉम्पेंसेशन ठीक जा रहा है, और इधर जो ड्यूटी साइकिल एडजस्ट हो रहा था, अभी ड्यूटी साइकिल बंद कर दिया, ड्यूटी साइकिल एडजस्ट हो रहा है, ऐसे ही है। तो अब ये ड्राइवर सेक्शन सॉरी कंट्रोल सेक्शन ओके है, उसके बाद ड्राइवर सेक्शन आपको चेक करना है, उसके बाद उधर IGBT लगाना है। लगाने से पहले आप एक काम कीजिएगा, इधर SMD सारे कैपेसिटर लगा है तो इसलिए छोटा SMD टेस्टर मिलता है, कैपेसिटर ओनली कैपेसिटर, और भी डार्ट फार्ट होता है, तो आप एक खरीद लोगे तो अच्छा होगा काम करने के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल इस फील्ड में आप लोग रहोगे तो फ्रेंड्स टूल्स जरूरी है, ठीक है ना फ्रेंड। फ्रेंड इस वीडियो में इतना तक, अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।